प्रॉब्लम क्या है शादी करने में? पढ़ लेंगे, कर लूंगा आगे कुछ ना कुछ, अभी पढ़ी तो रहा हूँ, आगे कमा लूंगा पैसे। समझ क्यों नहीं रहे हर चीज कैसे? भाई मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं रह सकता यार तुम्हारे बगैर। हेलो हाय, कौन हो आप, क्या कर रहे हो इधर आप बैठ के? मैंने मेरी बात कर रहा हूँ तो क्या इतने डांट रहे हो उसको? मैं उधर से देख रहा हूँ, मैं बैठ जाऊँ इधर के? नहीं सर, आप क्यों बैठे हो सर? ये क्या जबरदस्ती कर रहा हूँ हमारे साथ? हाँ अब समझाओ, मैं भी सुनता हूँ ना क्या समझा रहे हो। मैं कर लूंगा इनसे बात, नहीं मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, लेकिन क्या है हम भी तो जान सकते हैं अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हो। पहले तो अगर आपको प्राइवेट बात करनी है तो आप बाहर जाके बात करो, और अगर यहाँ करो तो मैं भी बात करें प्राइवेट अगर करें आपसे क्या मतलब सर? हमारी पर्सनल बात है सर, हम आपको बीच में नहीं आने सकते लाने सकते। अच्छा कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे आपकी बातों में। अभी क्या बोल रहे थे बोलो जरा फिर से। मैं कुछ भी बोलूँ आप? नहीं मतलब ठीक है, चलो हम बैठ गए आपस में बात करो ना, तुम्हारा थोड़ी है मैं इधर बैठ गया, तुम बात करो अपना जो भी करना है। अभी क्यों आप चिल्ला रहे थे इतना देर देख वहाँ तक आओ? मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं शादी के लिए राजी करना चाह रहा हूँ उसे, हम शादी कर रहे हैं बात कर, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं मुझे। अच्छा, शादी करनी है तुम्हें? तो भी आप इतना वो शौक क्यों हो रहा? भाई मेरी गर्लफ्रेंड है, हम कितने साल से रिलेशनशिप में हैं, मैं नहीं छोड़ सकता था, नहीं रह सकता इसके बगैर। शादी कर रहे हो तुम? भैया यस, हम साथ हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैं ट्वेल्थ में हूँ, ये इलेवंथ में है, हम लोग स्टडी पूरी करने के बाद मैंने अच्छा देख लेंगे, अच्छा बुरा हमें अच्छा पता है। कितनी एज है भैया तुम्हारी? मेरी 18 साल एज है। और आपकी? 16। अच्छा आपकी 18 है, आपकी 16 है। तो क्या हो गया भैया, वो होता नहीं है, बड़े छोटों में प्यार हो गया हमारे बीच में प्यार, 2 साल साथ में रिलेशनशिप में, उसकी फैमिली वाले मान नहीं रहे, बोले लड़का कमाता नहीं। भाई पढ़ी तो रहा हूँ अभी, क्यों नहीं कमाऊंगा भाई, कमा लूंगा, खिला दूंगा से बनाकर। नाम क्या है तुम्हारा? फरमान। और तुम्हारा? फरमान और प्रज्ञा। तुम तैयार हो? कन्विंस कर रहा हूँ, बोल रही है नहीं पेरेंट्स मानेंगे नहीं। अभी क्या करते हो तुम? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ सडनली। मतलब किस क्लास में हो? 12th में हो। अच्छा और तुम? 11। सोचा है क्या करेगा ये? यार क्या सोचना, मुझे नहीं चाहिएगा तुम्हें, मेरे रह रहे लोग मेरे बगैर। हंसे हो? मैं जयपुर से। और तुम वहाँ से यहाँ कैसे? मेरी बात नहीं, मैं यहाँ पे सेम कॉलेज में पढ़ते, मैं मेरे पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ पे कॉलेज में रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, तो अपने कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई होती है, वहाँ पे मेरे से फ्रेंडशिप होगी, हमारी 3 साल की पढ़ाई थी, वो काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ वहाँ पे, तो साथ में हम दोनों हैं, हमारी फ्रेंडशिप होगी इंस्टाग्राम के थ्रू बातचीत दोनों की। हम वो सब नहीं जानना मुझे अभी, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम इधर बैठे हो? सर नहीं, पेरेंट्स को नहीं पता, बाकी ये पता है कि ये मुझसे प्यार करती है, मेरे घर वालों को पता है मैं इससे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक दूसरे बगैर रह सकते हैं। ये बोल रही है मैं नहीं भागूंगी, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं रह सकता तेरे बगैर, मुझे चाहिए तो चाहिए, क्या नहीं चाहिए भाई, मैं रिक्शा चला लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, मैं तुझे कमा कर खिला दूँगा, भूखा नहीं रखूँगा भाई, प्यार करा है मजाक थोड़े ना करी, तेरे घर वाले नहीं मान रहे मैं क्या करूँ भाई, मुझसे प्यार करता हूँ तो घर वालों को पूछा था। तुम शांत रहो यार, मत बोलो मेरा पारा चढ़ जाएगा अभी, ये बताओ भैया हम आपस में बात। शांत रहो यार, मैंने बोला तुम्हें इनसे शादी करनी है, बोलो। प्रज्ञा नाम है तुम्हारा राइट? शादी करनी है तुम्हें इससे? क्या बोल रहे हैं वो? तुम्हारे मम्मी को पता है पापा को इधर लाइक तुम आई हुई हो? कितने दिन से हो इधर? क्या करना चाह रही हो यार? चुप रहो तुम, शट अप, आवाज नहीं आनी चाहिए अब। 3 दिन से तुम इधर आई हो? सोचा है तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीत रही होगी? एकदम क्लियर बोलो, तुम इसे शादी करना चाहती हो ऐसे या नो? प्रज्ञा जवाब दो, अभी के अभी ऐसे या नो? शांत रहो, मैंने बोला तुम बीच में नहीं बोलना, वरना मैं हाइपर हो जाऊंगा दूसरे तरीके से। फिर शादी करनी है ऐसे या नो? करनी तो है मतलब क्या, क्लियर बताओ, अभी करनी है ऑन द स्पॉट ऐसे या नो? अभी नहीं करनी ना, एक काम करो इधर से उठो, कल्टी मारो तुम। सर की प्रज्ञा क्या कह रही हो यार, मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? सर आप कौन हो? इधर से उठो, कल्टी मारो। सर मैं नहीं जा रहा। प्रज्ञा इधर देखो, मैं तरफ मैं जा रहा हूँ, प्रज्ञा तुम्हें छोड़ के क्या था ये? भाई हाँ नहीं करनी, लड़की ने बोल दिया, हम 2 साल से। फरमान गो, टच मत करो, छोड़ो उसे, हाथ छोड़ो उसका। प्रज्ञा ये क्या था? नहीं ये क्या था? वजह कमाता नहीं हूँ, इतना कमाता हूँ तो मैं आराम से रख लूंगा। मैं कितना कमाते हो जरा मेरे को बता। आप क्या हमारे बीच में आ रहे हो? सटा यार चुप रहो, जानते हो मैं कौन हूँ?
आपको पता मैं कौन हूँ? तुम कौन हो बताओ? भाई मैं इसका बंदा हूँ, आप कौन हो? हमारे बीच मारे हो? मैं इधर का इंचार्ज हूँ, अंदर डाल दूंगा, एक बार सोचूंगा भी नहीं। अंडर है जो समझ, तुम्हारे ऊपर ऐसी धारा के अंदर लगाऊंगा जिंदगी में बाहर नहीं निकल पाओगे। क्या बंदा मुझे डांट रहा है यार, तुम कुछ देख रही? डांट नहीं, दौड़ा के मारेंगे भी अभी। भाई इतना कमा लूंगा, आराम से खिला दूंगा, तुम्हें जरूरत क्या? चिल्ली पटेटो खाएंगे हम। तुम्हारे जेब में भी कितने पैसे हैं? सर है 1100 है, ये 50,000 की घड़ी है। सर आपकी वॉच है ना, वो बंदी आपसे प्यार नहीं करती, मुझसे तो प्यार का मतलब नहीं। 50,000 की घड़ी खा लेंगे, 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 रुपए में कुछ होता है? मेरा बहुत कुछ हो जाएगा इसमें, कुछ हो जाएगा तुम्हारा? प्रज्ञा मेरा साथ जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप जरूरी है या फिर ये जरूरी है, मुझे डिसाइड करके बताओ। मुझे जवाब दो, मेरे लिए मेरे माँ बाप जरूरी। तो मेरा संग क्यों थी 2 साल से? चलो निकलो अब, उठो अब, वरना मैं थोड़ा सा मैं हीट हो जाऊंगा दोस्त। मैं कैसे छोड़ दूंगा यार, तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ? भैया हो कौन तो पहले तुम? मैंने बोला स्कूल के लड़कों से बहुत पिटवाऊंगा तुम्हें, ये ड्रामा मत करो, मारता हूं मेरी बंदी, मैं उसके संग रिलेशन। आप कौन हो तो क्या कराओगे, एक बार फिर से बोलना। बहुत पिटवाऊंगा तुम्हें, स्कूल के लड़कों के सपने, दोस्त है मेरे वो सारे पॉकेट बन के। बेटा इतना मारेंगे दौड़ा के ना, इतना मारेंगे दौड़ा के चेहरे का थोड़ा बदल जाएगा तुम्हें। अरे शट अप, सुनो इधर, इतना मारेंगे थोड़ा बदल जाएगा। सर आप क्या करते हो काम? इधर का इंचार्ज हूँ। ये बचकानी वाली निब्बा निब्बी वाली बात हमसे मत करना, झापड़ झापड़ मारूंगा, गाल लाल हो जाएगा, चूतिया समझा है? धमकी देते हो तुम? सीधे खड़े जाओ, सीधे बैठो, हाथ पीछे करो, हटा मैंने बोला, इसको भगाओ इधर से। तुम्हें रहना है, अगर इसके साथ रहना है तो जाओ, मैं कह ले तुम लोगों के चक्कर में सर। अरे चुप रहा यार, भाई यही मारूंगा, दौड़ा के मारूंगा, यकीन मान लो, अभी फोन करूंगा। चुप रहा मैंने बोला, चुप, आवाज निकली तो गिरा के मारूंगा। मुझे जवाब दो यार। शट अप मैंने बोला, चुप रहा प्रज्ञा, मैंने बोला शांत रह, बोला प्यार करता हूँ यार, चुप, मैंने बोला मुंह से आवाज मत निकाल। मैं नहीं छोड़ सकता यार इसे, मैं नहीं रहूंगा इसके बगैर, नहीं रह पाऊंगा भाई। मैं दूसरे तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा क्या तुम्हें? भैया मुझे डराओ मत, मैं आपका क्या हाथ जोड़ कान पकड़ रहा हूँ, नहीं मैं नहीं छोड़ सकता। प्रज्ञा चलो आओ मेरे साथ, हाथ छोड़ इसका, मैंने बोला। प्रज्ञा ये क्या है मेरे साथ छोड़ रही हो? जिन हाथों से तूने छुआ इस यहाँ से कान पकड़, टच, हाथ मत कर, छोड़ा, कान पकड़। प्रज्ञा क्या है? मैंने बोला कान पकड़ भाई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, बोलो, वरना अभी यहीं से खींच के ले जाऊंगा मैं। प्रज्ञा देख लीजिएगा तुम्हारे, बोल, गलती हो गई दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। प्रज्ञा नहीं करूंगा दोबारा, मैं टच नहीं करूंगा इसे, नहीं करूंगा सर दोबारा टच। निकल इधर से भाई, उड़ जा, आ जा, उड़ जा, उड़ जा, आ जा, निकल। तुम उसके साथ रहना चाहते हो? इधर आ भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, बैठ जा इधर, जी बैठ जा चुपचाप। तुम इसके साथ रहना चाहती हो? एक बार क्लियर कंफर्म करके बताओ, डरो मत, डर के बात मत करो, तुम्हारी भी गलती है, ऐसा नहीं सारी गलती उसकी भी है। तुम रहना चाहती हो? रहना चाहती हूं। ये सारी चीजें वहां पे कैमरा लगा है और ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे हैं और मैं इसे यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। बंद करो यार उसे, नहीं रिकॉर्ड रिकॉर्ड मत करो। एक बार अपना नाम बताना, क्या है? फरमान नाम है मेरा। तुम्हारा नाम क्या है? क्या चाहते हो आप? क्या कर क्या रहे हो आप हमारे साथ, क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठे रहो। अब गाइस आप लोग बताओ, इसकी उम्र है 18 साल, इसकी उम्र है 16 साल, अगर ये शादी करना चाहते हैं अपने माँ बाप को कन्विंस करो। फरमान मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ यार, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? सर, मुझे नहीं पता था यार। मेरी बात देखो, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, ना ही मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। अभी तुम कर लोगे कुछ, कर पाओगे लाइफ में? नहीं कुछ कर पाओगे? मैं नहीं रह पाऊंगा। अरे करा यार, मार दू, खींच के मारूंगा अभी। रह पाओगे? कुछ कर पाओगे जीवन में? तुम बताओ कुछ कर पाओगी जो भाग के आई हो यहाँ से? हाँ कुछ कर पाओगी? नहीं कर पाओगी। मैं ये चाहता हूँ तुम दोनों वापस अपने घर जाओ, और जाओ जब तुम बड़े हो जाना, 22 साल के हो, तब मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मैरिज कराऊंगा। पक्का 100% मैं कराऊंगा। भैया लेकिन मैं ऐसी लड़की नीचे गई। अरे मैंने बोला मैं तेरी शादी करवाऊंगा और मैं छोड़ने भी चल रहा हूँ तुमको। वाले मुझे घर के अंदर नहीं ढूंढना, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं मैनेज कर लूंगा, ये करा देंगे मैं अंदर, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं बोला, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम लोग 4 साल पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। कान पकड़ के बोलो दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, तुम्हारी भी गलती है, चलो बोलो दोबारा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा, भैया कभी नहीं करूंगा ऐसे, और ये निब्बा निब्बे वाले काम नहीं करोगे दोबारा कभी भी। आर यू श्योर? 100% जो मैंने बोला उस बात को बुरा मत मानना, ठीक है? क्योंकि यार देखो तुम लोग अभी उस एज में नहीं हो कि तुम लोग हो गया नीचे कर लो, उस इतनी तुम्हारी उम्र नहीं, तुम चीजों को मैनेज कर लो। तुम्हें लगता है तुम मैनेज कर पाओगे चीजों को? नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन सर देखो, गलती तुम्हारी भी है, गलती उसकी भी है। तुम लोग बड़े हो जाओ फिर आना, फिर मैं मैरिज, आ जाओ मेरे साथ तुम तीनों, चलो भैया ये वीडियो कुछ नहीं होगा, आओ, मैंने बोला ना, आ जाओ, मैं बोल रहा हूँ मैं तुम्हें छोड़ने चल रहा हूँ। हाथ छोड़ो, ऐसे मत पकड़ो पब्लिक में। मैंने बोला नहीं, 4 साल के लिए नहीं।